हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम में खतरनाक तरीके से मूव करने वाला है, यानी आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक, एक बहुत बढ़िया अपने सेक्टर में हाथी दिग्गज स्टॉक, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सा मार्केट कैप है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5 लाख करोड़ का, और अभी आपको काफ़ी सस्ते भाव में मिल रहा है। मैं अगर बोलूँ ना, ये तो सामने आपको वैल्यू है 2376 रुपये का, 2376 रुपये का स्टॉक, अगर एक शेयर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख देते हो ये किस लेवल में आपको पहुंचाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं पे भी नाम देखकर वीडियो से स्किप करने की गलती करोगे तो नुकसान आपका हो सकता है। सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड IIFL में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलता है। हमारे लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे इसके थोड़े से प्राइस एक्शंस कि किस तरह से इसने मूव किया है, अभी तक अपने इन्वेस्टर्स के पैसों का रिटर्न किस हिसाब से दिया है ना। तो यहाँ पर मैं मंथली चार्ट लगाने की कोशिश करूँगा और इसका हाईएस्ट प्राइस देखूँगा, अभी भी हाई के आसपास है, 2500 रुपये का हाई है, यानी कि अगर मैं देखूँ कहीं पे भी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया वो अभी नुकसान में नहीं है, प्रॉफिट में ही है। अगर मैं बात करूँ 1996 से कंपनी आपको यहाँ पर नज़र आएगी और 65 रुपीज़ से चला था, फिर उसके बाद 10:1 के रेशो में स्प्लिट भी हुआ था, उसके बाद फिर देखें पता नहीं कितनी बार बोनस दिया, पता नहीं कितनी बार डिविडेंड दिया होगा, आप खुद भी नहीं सोच सकते, यानी जितने का स्टॉक है उससे 10 गुना ज़्यादा ये डिविडेंड दे चुका, और डिविडेंड देने में माहिर स्टॉक है, राइट। अगर मैं देखूं, अगर मैं वनडे के चार्ट पे लगाऊं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि काफ़ी टाइम से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इसके लिए क्या कोविड लेवल, क्या प्री कोविड लेवल सब बराबर है। प्री कोविड लेवल अगर देखेंगे जब कोरोना आया भी नहीं था 2200 के आसपास चलता था, और अभी भी वही 2300 के आसपास में ही है। तो देखा जाए तो भैया इसमें सभी स्टॉक्स ने पैसे 3 गुने कर दिए हैं, लेकिन इसमें अभी चाल वो चला नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना उनका साइकिल आता है, उनका एक टाइम आता है। होता क्या है, ये एक रेंज में कामकाज कर रहा है, एक बॉक्स में कामकाज कर रहा है, ऐसे रहेगा चलते रहते, और सडनली एक लंबा जंप आएगा। अगर मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताऊं जिसका नाम है डिक्सन, आप सबको पता होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो डिक्सन में भी सेम इस तरह का एक पैटर्न था। मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अगले में आपको फिर समझ में आएगा, फिर आपको आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। आपको लग रहा होगा बेकार है यार, ऐसा कोई शेयर है तो बेकार है, पैसा बर्बाद कर रहा है ना। तो ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी आपके सामने, ये 6 महीना, ये 5 साल का मैं चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैक्स का लगा दिया। अब देखिए इस ये डिक्सन जो है एक रेंज में कितना टाइम फंसा था, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक बाय किया होगा वो क्या बोल रहे होंगे, वो तो कह रहे होंगे यार बेकार स्टॉक है सारा। 2017 से इस रेंज से, यहाँ पर देखिए इस रेंज से, कब का रेंज है ये, 2017 से 2020 के अराउंड तक शेयर एक ही भाव में ट्रेड करता रहा, ऊपर नीचे, लेकिन क्या इसने रिटर्न नहीं दिया। इसके बाद जब रिटर्न दिया ना, लोगों के होश भी उड़ गए। ये स्टॉक का प्राइस देखिए आप, ये स्टॉक का प्राइस 600 से सीधा कहाँ पे, चलिए वो ये तो एडजस्टेबल वैल्यू है, मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ, 2000 से सीधा 20000 प्राइस, 20000-21000 को टेस्ट किया, फिर उसके बाद स्प्लिट होके यहाँ पे नीचे आता हुआ आपको नज़र आ गया, एडजस्टेबल प्राइस है ये। तो मैं अगर ये बात करूँ तो इस तरह से ही कब इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा वो आपको खुद ब खुद नहीं पता लगेगा, मतलब इतना खतरनाक स्टॉक है, इसमें अगर ब्रेकआउट आपको दिख गया ना तो आप पैसे संभाले नहीं संभाले जाएंगे। चलिए इसके कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, वरना आप बहुत सारी उम्दा जानकारी जो है वो मिस कर देंगे। तो भैया आपके सामने मैं इसका मार्केट कैप रख रहा हूँ, मार्केट कैप देखिए 5,47,000 करोड़ का मार्केट कैप, और मार्केट कैप, और हर घर में इसके प्रोडक्ट्स हैं, हर घर में आपने को नाम पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा है तो नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये है स्टॉक का नाम, मैं फिर से कहूँगा नाम देख के जाने की गलती मत करिएगा वरना बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5,47,000 करोड़, और यहाँ पर मार्केट कैप अगर हम देखें, सॉरी करंट प्राइस देखें, तो 2329 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है, 203 रुपये का बुक वैल्यू, 66 का पी रेशो है, ROC बढ़िया शानदार है 40 के अराउंड का, ROE भी बढ़िया है 30 के अराउंड का, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया अच्छा खासा निकल कर हमें आता हुआ दिख रहा है।
अब हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, FMCG में आपको फूड, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर सारा कुछ मिलता है। इसके वेबसाइट पे अगर आप विजिट करोगे आपको समझ में आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से कि हर एक घर में इसका प्रोडक्ट है। उस जिस घर में इसका प्रोडक्ट नहीं है तो वो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा होगा कोई घर। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एक तो हाथी ऊपर से हाथी के ऊपर कोई भार नहीं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। एक रुपये का कर्जा कंपनी पर नहीं नज़र आ रहा है और यहाँ पर बढ़िया रिटर्न दे रहा, आरओई काफ़ी बढ़िया है। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड का पे आउट दे रहा है। डिविडेंड्स भी दिखाऊंगा आपको, पे आउट दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, सिप्ला लगा हुआ है ना यहाँ पे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाऊंगा और आपको डिविडेंड्स भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना। ये देखो और ये आपके सामने मैंने रख दिया कॉर्पोरेट एक्शंस। और यहाँ पर ये देखो 17 रुपये, 14 रुपये, 9 रुपये, 14 रुपये, 11 रुपये, इस तरह के डिविडेंड आपको देखने को मिलते हैं। 2020 में 3 बार डिविडेंड देखने को मिला, 14, 9.5, 14, 3 बार डिविडेंड देखने को मिला। 2021 में अगर देखें तो अभी हमें 1 बार 17 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल गया है। और आगे देखते हैं हमें क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर से आएंगे अपने शेयर होल्डिंग में, सॉरी फंडामेंटल्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स, जी हाँ बिल्कुल बढ़िया है यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा किया हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो भी शानदार किया हुआ है। बस ज़रूरत है स्टॉक के चलने की, जैसे ये चला ना फट जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ फट जाएगा। बैलेंस शीट एकदम उम्दा क्वालिटी का, 1 रुपये का जैसे मैंने कहा जीरो डेट कंपनी है, नेट जीरो डेट कंपनी है, 1 रुपये का कर्जा नहीं और 47,000 करोड़ का इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 61% प्रमोटर्स के पास। FIs को देखिए, अगर कछुआ है नहीं चल पा रहा है तो भैया 14% FIs ने दबाया हुआ है, 10% DIs ने दबाया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं 12% लेके बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ एक बंदा भी अगर ये शेयर ना बेचे ना इनके, तो अब देखो अगर कल से एक भी बंदा इसका शेयर ना बेचना शुरू करे, देखो ये किस तरह से अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ बाइंग बना के रखो, दबा के रखो, दबोच के रखो, एक भी बंदा इस पर ट्रेडिंग मत करो, एक भी बंदा सेल मत करो इस शेयर को। देखो काफ़ी बढ़िया आपको प्रॉफिट इस पर देखने को मिलने वाला है, काफ़ी खतरनाक मुझे कंपनी लगती है, मेरे पोर्टफोलियो का दिग्गज है। और सबसे ज़्यादा मैंने वेटेज भी अपने पोर्टफोलियो का इसको ही दे रखा है, सबसे ज़्यादा वेटेज 5 स्टार बैलेंस शीट में कहूँगा, एकदम नंबर 1 स्टॉक मेरे सामने ये लगता है मुझे। अभी देखिए तो 2374 रुपये के आसपास काम कर रहा है। अगर कोई स्विंग ट्रेड के लिए भी इसे लेना चाहता है तो भी मैं उसको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 2120 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो, 3000 तक के टारगेट आपको बड़े आराम से देखने को मिलने वाला है, बड़े आराम से। कल मैंने ITC के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा। और ये सोना है, मैं ये कहूँगा कि सोना को मत बेचो यार, 24 कैरेट सोना है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों इसको सेल कर देते हैं। आज भी अगर मैं इसमें डिलीवरीज के परसेंटेज देखना चाहूँ तो चलो ये तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए होता है डिलीवरीज के परसेंटेज वगैरह, फिर भी मैं अगर देखना चाहूँ तो उतना ज़्यादा खास नहीं होगा मुझे पता है। क्यों नहीं खास यार, 45% की डिलीवरी आज भी उठी है, तो काफ़ी बढ़िया शेयर मुझे लग रहा है यार, इसमें बाइंग बना के रखो, प्रॉफिट में आप लोग रहने वाले हो। बस होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।